अगर समाचार में बात करें तो सूरत थी एक महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। सूरत में ओएनजीसी ब्रिज पर बनी दुर्घटना, महत्वना समाचार सूरत थी सामे आवी रह्या छे। कोलसा भरेलू जहाज ब्रिज साथे टकरायुं हतुं, जहाज तणाईने आवता ब्रिजना पिलर साथे टकरायुं हतुं, जेमां चौथी वखत ब्रिज साथे जहाज टकरायानी घटना बनी छे। वारंवार अकस्मात थता ब्रिज आ जोखमी बन्यो छे। महत्वना समाचार सूरत थी सामे आवी रह्या छे, ओएनजीसी ब्रिज पर दुर्घटना बनी छे। वधु विगतो माटे दिव्यस परमार जोड़ाई गया छे। जी दिव्यस, सूरत ओएनजी ब्रिज साथे आजे दुर्घटना थई छे, जहाज टकरावानी, शुं छे वधु विगतो? ચોક્કસથી, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો સુરતનો જે ઓએનજીસી બ્રિજ છે, તે બ્રિજ પર આ વખતે ચોથી વખત જહાજ જે છે તે ટકરાવાની ઘટના સામે આવી છે। કહી શકાય કે જે પ્રકારે ફરી એક વખત આ કોલસા ભરેલું જે જહાજ આવી રહ્યું હતું ત્યારે પાણી ભરતી અને ઓટની વચ્ચે આ બ્રિજ ફસાયું હતું ને તેના જે જહાજ ફસાયું હતું તેના જ કારણે આ જહાજ ब्रिज साथ टकराय मतलब कही सकता कि सवेरे जो प्रकार भरती थी कारण तनाई आ शीप जो आयु ब्रिज न पिलर साथ टकराय कही सकता कि जो प्रकार आ ब्रिज क्या क्या लोग जोखमी बनी है केम से एक सवाल है कारण के वक्त वक्त ब्रिज साथ जहाज टकरावानी घटनाओ सामे आवे छे। कारण के जे प्रकारे दरिया में भरती होवाने कारणे बोट जे छे जहाज तणाईने आवता होय छे त्यारे फरी एक वखत आ कोलसा भरेलू जे जहाज अथड़ायुं छे त्यारे आ चोथी घटना कही शकाय। अगाउ पण एक જે શીપ છે તે 4 જેટલા શીપો એક સાથે ટકરાયા હતા, તેના કારણે બ્રિજનું સમારકામ પણ કરવું પડ્યું હતું। ત્યારે ફરી એક વખત આ જહાજ જે છે તે બ્રિજ સાથે ટકરાયું છે, ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય કે જે પ્રકારે ब्रिज है लोगों माटे जोखमी बन्यो छे कि केम ते पण एक मोटो सवाल उठी रह्यो छे। वखत वखत जे प्रकारे जहाजो अथड़ाई रह्या छे तेने लईने पण अनेक सवालो उठी रह्या छे कारण के जे प्रकारे जहाजो पाणीनी दिशा जे पाणीमां भरती आवे तेना कारणे पवननी दिशाने कारणे सीधुं जे ब्रिज बन्यो छे तेनी साथे अथड़ाय छे तेने लईने क्यांक ने क्यांक लोकोमां पण अनेक सवालो उठी रह्या छे। जी, વિગતો આપવા બદલ આપનો આભાર। તો મહત્વના સમાચાર સુરત થી સામે આવી રહ્યા છે। સુરત ઓએનજીસી ब्रिज पर कोलसा भरेलू जहाज टकरायू हतू।